सो प्रियंका दमन वर्षा रेखा मानिनी पूजा ज्योति वेरी वेरी गुड इवनिंग सो आई होप एवरीबडी इज रॉकिंग वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन विद ऑल पॉजिटिव विध ऑलिटिव थॉटिटिव माइंड सेट एंड नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है ठीक है बट रिमेंबर उससे एग्जामिनेशन डेट्स का कोई लेना देना नहीं है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है जो टेंटेटिव डेट्स है उसी डेट्स में एग्जामिनेशन होंगे सो प्लीज मेक श्योर की इस रूमर्स uh, में टाइम वेस्ट ना करो एनी डे द नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी आउट तब तक आपको पढ़ाई जो है ये शुरू करते रहना है चलो ज्योति ऋषा संध्या गुरुचरण ठीक है रेखा ठीक है चलो आप शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन एंड आज के सेशन में स्पेसिफिकली हम आगे बढ़ेंगे आ, कुछ यूनिक से क्वेश्चंस हैं लेट्स सी कौन टैकल कर पाते हैं एंड आल्सो जब वेदिकेज करते हैं हम सोर्सेज वेदिक के बहुत इंपॉर्टेंट जैसे उपनिषद सोर्सेज हो गए वो अर्ली लेटर की मोस्टली टर्म्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि जनरली पेपर का पैटर्न वही है बिफोर वी स्टार्ट कुछ अनाउंसमेंट्स uh, जो आपको ऑलरेडी पता है यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है फॉर ट्वेंटी पेपर वन के टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए 27 टेस्ट सीरीज है टू फोर्टी में जहां पे आपको फुल टेस्ट मिलेगा अलोंग विथ इट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व एंड देन For history एट थ्री नाइनटी नाइन रुपीज वी हैव फिफ्टीन फुल लेथ टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है दो पीपल एक्चुअली प्लानिंग टू अ टेस्ट सीरीज एंड हिस्ट्री के इंक्लूडिंग ऑल दी ट्रेंड्स जो कि पेपर में आता है अलग अलग ट्रेंड्स हो गए राइट फ्रॉम फाइव लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन टू क्रोनोलॉजी क्वेश्चन टू वन लाइन टू असर्शन रीजनिंग ये सारी ट्रेंड्स एंड पैटर्न को हमने कोशिश की है की इधर हम आपको कवर करा दे सो so दैट जब आप एग्जामिनेशन दो यू आर एब्सुलटली कवर्ड विद एवरीथिंग ठीक है अब उसके अलावा दिस इज अ क्रैश कोर्स फिलहाल जब तक डेट नहीं आता है टेंटेटिव प्लान है हमारा एक बार डेट्स आते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज होने वाली है इंस हम कर चुके हैं प्री हिस्ट्री हम कर चुके हैं एंशियंट इंडिया का मेगा मैराथन हम कर चुके हैं सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू वीक जहां पे आज हम उपनिषद्स एंड वैदिक एज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास थर्सडे को 5 पीएम एम बुद्धिज्म जर्निज्म पे सेशन होने वाला है इसको मिस मत करना बुद्धिज्म जैनिज्म हो गए सोर्सेज ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म हो गए यही एक ऐसी टॉपिक है जहां से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं देन सैटरडे को मैराथन है हमारा मॉडर्न इंडिया का ठीक है देन मौर्याज एन गुप्ताज मुगल आर्किटेक्चर पेंटिंग मोस्टली यहाँ तक तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए सो देली यहाँ पे फुल ले सल्तनत मुगल अगेन टेस्ट, नेशनल मूवमेंट एंड जो और टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे ब्रिटिश एक्सपेंशन हो गया आपके प्रेस रेजिस्टेशन रिलीजियस रिफॉर्म प्रेजेंट ट्राइबल्स ये सब नेक्स्ट महीने के डेज में चले जाएंगे ठीक है एंड व नोटिफिकेशन कम्स देर विल बी मोर से तो जब तक आप एग्जामिनेशन दोगे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी होंगी और अभी तो हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड क्वेश्चन का मैराथन आना बाकी है ठीक है so, सो जिन्होंने लास्ट uh, क्लास हमारा एंशंट इंडिया मैराथन नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा फिफ्टी क्वेश्चन हमने किया था इट वॉज लाइक अ वेरी गुड सेशन तो जिन लोगों ने नहीं देखा है इसको जरूर रिवाइज कर लेना बिफोर वी मूव टू तो द नेक्स्ट सेट ऑफ मैरेथ ठीक है चलो भाई अब आज हम करने वाले अर्ली एंड लेट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज एट आपको यहाँ पे थ्योरी पे भी ध्यान देना है फॉर फाइव लाइन स्टेटमेंट बेस्ड प्लस आपको पे facts पे फैक्ट्स भी ध्यान देना है ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है स्पेसिफिकली जब आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली थ्योरी सिंपली आपको नहीं पूछेंगे मोस्ट ऑफ द थ्योरी में फैक्चुअल क्वेश्चन का ज्यादा ज्यादा ट्रेंड है ठीक है तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन रेडी लेटेस्ट स्टार्ट द सेशन

तो सब लोग रेडी है लेग इन द बैटल जब हम रिग वेद की बात करते हैं हमें बहुत सारी महिलाओं का रेफरेंस मिलता है स्पेसिफिकली वी ऑल्सो गेट एविडेंसिस कि महिलाएं क्या क्या काम कर रही हैं कौन कौन ग्राइंडर है ठीक है कौन बैम्बू स्प्लिटर है इसी में वी आल्सो गेट एविडेंसेज ऑफ महिलाएं जो बेसिकली उपनिषद रीडिंग्स में है। इनमें से कौन सी ऐसी महिला है विच इज मैं इन्होंने अपनी एक लेग एक बैटल में खो दी सो वी हैव रिद्धमती हम बात कर रहे हैं विशपाल की मुदगलिनी या गार्गी तो चलो सेशन शुरू होता है विद दिस क्वेश्चन एज आइज देट वुमेन के बारे में क्वेश्चन चाहे एंशियंट हो मीडियल हो या मॉडर्न हो सो वी हैव टू बी स्मार्ट कि जब भी आप पढ़ो वुमेन रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से करना है ठीक है चलो एंड आंसरों की बात अच्छा लास्ट टाइम सम पीपल वर सेइंग कि आपके जो आंसर्स है वो सही हैं बट पोल में नहीं दिखाते जब मैं आपको पोल देती हूं और मैं आपको थर्टी टाइम देती हूं विद इन दैट थर्टी से आपको आंसर करने एल्गोरिथम विल पिकअप देन अगर आप पहले आंसर कर रहे हो पोल देने के पहले और पोल देने के बाद देन फिर वो आंसर पिकअप नहीं होंगे सो ऑल दोज कि आपके आंसर्स नहीं पिकअप हो रहे दैट इज बिकॉज आई गिव द आंसर वंस आई गिव यू द पोल ठीक है चलो भाई इज़ द करेक्ट आंसर योर एंड मोस्ट ऑफ योर सही करेक्ट आंसर योर इज विश्वाल तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है हमारे सेशन की नाइनटी सिक्स परसेंट पीपल वेरी वेरी गुड रिमेंबर कहा है शतपथ ब्राह्मण मेंुल अज डिस्क्राइब एज अ महिला जो मोस्टली अपने फादर की फील्ड की देखभाल करती थी विश्वपाल कहा जाता है कि भाई ये विश्वपाला जो है ये वुमेन महिला वॉरियर है जिन्होंने बैटल में अपनी लेग खो दी थी और भी महिला वॉरियर है एंड बद्दी मित्र ये भी महिला वॉरियर है इनका भी नाम याद रखिएगा ठीक है एंड गार्गी एंड मैत्री पे भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है दे पार्टिसिपेटेड इन फिलोसिकल डिबेट विद उपनिषदिक एक ठीक है तो ये अच्छी तरीके से सारे वुमेन रेफरेंसेस को याद कर लीजिएगा फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ठीक है नेक्स्ट विच उपनिषद एक्सप्लेन दैट जस्ट एज अ स्पाइडर स्पिन्स एंड गैदर इट्स वेब जस्ट एज द्लांट ग्रोज अपॉन दी अर्थ एंड जस्ट एज हेड एंड बॉडी ग्रो फ्रॉम अ लिविंग पर्सन सो डी थिंग इन दर्ल्ड अराइज फ्रॉम इमेरिज ब्रह्मा तो ये किस उपनिषद में लिखा है कि भाई जिस तरीके से स्पाइडर जो है ये स्पिन करता है एंड अपनी वेब बनाता है जिस तरीके से पृथ्वी पे पौधे उगते हैं जैसे जीवित व्यक्ति के सर बेसिकली जीवित व्यक्ति के सिर और शरीर के बाल बढ़ते हैं वैसी दुनिया में सब कुछ अविश्वनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है तो ये कहा लिखा गया है उपनिषद मुंदका उपनिषद तैत्र उपनिषद या स्वीताश्वरा उपनिषद सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर सो कौन सी ऐसी उपनिषद है जो हमें स्पेसिफिकली ये बताती है चलो

करेक्ट आंसर हर इज बी मुद्दा उपनिषद एंड आई थिंक ट्वेल्व परसेंट लोगों ने दिया इसको बस रीड कर लेना जनरली जब आप उपनिषद सेक्शंस पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे उपनिषद किस तरीके से ओरिजिनेशन होता है तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से प्लांट्स ग्रो करते हैं ह्यूमन बॉडी हेड से बाल ग्रो करते हैं ठीक है एवरीथिंग थिंग अराइजेस फ्रॉम ब्रह्मा ये मैं है का उपनिषद से ठीक है नंबर थ्री इनमें से कौन सी ऐसी सोर्स है जो हमें यह बताती है द किंग गेन्स आइडेंटिटी विथ प्रजापति थ्रू दी परफॉर्मेंस ऑफ एंड वाजपेयाक्रीफाइस तो हम लोग जब सैक्रीफाइज पढ़ते हैं अर्ली लेटर वेदिक पीरियड में है ना तो हमने देखा था ना लेटर वैदिक पीरियड में ये और भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं सोसाइटी कॉम्प्लिकेट हो जाती है बहुत ही इलेबोरेट सेक्रीफाइजेस होते हैं तो उसी कॉन्टेक्स में किस सोर्स ने ये बोला है कि राजा गेम्स आइडेंटिटी विद प्रजापति अगर वो वाजपेयी और राजसुईया सेक्रीफाइसेस करते हैं वज्रसेन समिति शतपथ ब्राह्मण या चांदेव उपनिषद इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो एक्चुअली पेपर में थोड़ा बहुत मुश्किल आते हैं ठीक है एंड अगर यहाँ पे उपनिषद क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो एक पूरी की पूरी क्लास आई विल कीप ऑन उपनिषद जहां पर हम लोग तो मेजर उपनिषद्स पे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे फ्रॉम नेट पर्सपेक्टिव ठीक है क्योंकि देर आर सो मेनी उपनिषद एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होगा आपको कोलेट करने में किसमें क्या लिखा है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो इनकेस यू थिंक ये वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है देन हम लोग एक स्पेशल क्लास करेंगे सिर्फ उपनिषद पे क्वेश्चंस पे ठीक है तो हु सेज दैट राजा गेन्स आइडेंटिटी विद प्रजापति थ्रू दी परफॉर्मेंस ऑफ वाजपेयी एंड राजसूया सैक्रिफाइसेस तैत्र अरण्यक वज्रसेन समिति शतपथ ब्राह्मण या चांद उपनिषद सो कौन सी सही आंसर एवरीवन चलो एंड दी करेक्ट आंसर यर सी बिल्कुल सही बात है एंड चलो सो लेट अस सी हियर ठीक है सिक्सटी एट परसेंट और ऑल्सो दिस टेल्स यू ना कि जब उपनयान सेरेमनी होता है उपनयान सेरेमनी और जो आप स्पेशली लाइफ के स्टेजेस में जाते हो उसका रेफरेंस भी स्पेसिफिकली इसमें दिया हुआ है ठीक है चलो नंबर फोर पांच क्वेश्चन के बाद आई आज छोड़ियो दलीलो बोल इनमें से कौन सी वेद है विच मैंशन वंश नर्तन वंश नर्तन होते हैं या तो पोल डांसर हो गया या तो जो कलाज हो गए हो गए तो जब स्पेशली लेटो वेदी में ऑक्युपेशन के बारे में बात किया गया है सैक्रीफाइस के बारे में बात किया गया है तो उनमें ना बहुत सारे इस तरीके के ऑक्यूपेशन का जिक्र है तो वेदा में वंश नर्तन जो है जिसको पोल डांसर भी बोला जाता है एक्रोबैट कलाबाज भी बोला जाता है ये किस वेद में इसका रेफरेंस है ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्व या सामवेद तो रिमेंबर वन थिंग थिंगेज एंड बुद्धिज्म ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं एंशियंट इंडिया के विच आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स के ना सोर्सेज इमेंस मेन से इन फाइनाइट है आपको वेदिकेज में कुछ भी सोर्स आ सकता है सेम विद बुद्धिज्म तो जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो ये दो टॉपिक्स पे ना थोड़ा फाइव टेन परसेंट आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस में काफी एरर हो सकता है बिकॉज दे कैन गिव यू एनीथिंग एंड यू कांट से इट्स आउट ऑफ द सिलेबस क्योंकि इनका डोमेन काफी बड़ा है ठीक है चलो तो किस में दिया हुआ है वेदिक पीरियड में बहुत सारे पास हमारे पास एविडेंसेज है कि भाई लोग करते क्या थे अपने फ्री टाइम पे ठीक है तो जो पास टाइम था उसमें जनरल लिखा है चारियट रेस घोड़ेगाड़ी का रेस डाइसिंग ठीक है म्यूजिक डांस चाहे बांसुरी बजाना हो शंख बजाना हो ड्रमर्स ये सारे लोग मेंशन है कि लोग फ्री टाइम पे ये सारी चीजें करते थे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके अलावा इट इज सेड ये सारी जो हम लोग स्पेशली वीना की बात करते हैं ये एंड कहा जाता है शैलुषा इज बेसिकली मेंशन जब हम स्पेशली बात करते हैं ना पुरुषमेद सैक्रिफाइस जो हुए थे उसमें कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लोग थे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशनड है कि भाई इट कुड बी एन एक्टर और अ डांसर शैलुशा मेंशन अमंग दिक्ट इन मेदा इन वज सेन समिता इसका मतलब है ये एक्टर और डांसर थे यजुर्वेद जो है ये मेंशन करती है वंशन विच इज अ पोल डांसर और एथ्रोबैट ठीक है तो ये बस जनरली थ्योरी में आपको आ जाएगा कि लोग फ्री टाइम पे क्या करते थे क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था नहीं था एंड दूसरा जब बेसिकली पुरुषमेद सैक्रिफाइस चल रहा था तो बेसिकली ये सारे जो टर्म्स मैंशन है इसमें आपको बहुत सारे लोगों के टर्म्स मिलेंगे जो इस सैक्रिफाइस में यूज होते थे ठीक है

हिमे वो ये कहती है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल देर इज सम सम्योरिटी बाय बर्थ तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं ना तो ये सारी जो जन्म से अशुद्धताएं ये सारी दूर हो जाती है आप इससे आपको मुक्ति मिल जाती है इन द सेम वे जो हम स्पेशली अयास की बात करते आयरन की बात करते हैं जब आप इनको हीट करते हो तो कैसे ये सारे मेटल शुद्ध हो जाते हैं like तो इट से कर्म करोगे तो बर्थ के जो इम्प्योरिटीज है वो धुल जाएंगे एक मिडीवल कमेंटेटर ने इसको बहुत डिटेल तरीके से समझाया है कौन है ये

सेम वे प्योरिफाइड और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आता है सयाना के तो ये आपको याद रखनी है very, very remember, की बात करते हैं, तो अर्ली वेदिक पीरियड में स्पेशली जब हम निष्का यह सारे शब्द की बात करते हैं टेक्निकली दीज मीन मेटल मोस्टली गोल्ड बट सिक्को का रेफरेंस क्लियरली नहीं है ओनली इन दी लेटर वेदिक पीरियड हमें आयरन के रेफरेंसेस मिलते हैं और सिक्कों के रेफरेंसेस प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड सेंचुरी बीसी से मिलता है ठीक है? नेक्स्ट, रेफरेंस टू ऑफ़ वेदिक पीरियड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जिसमें हम बेच सकते हैं सेल कर सकते हैं ये लेटर वेदिक पीरियड में था अर्ली वेदिक पीरियड में वेज लेबर और स्लेवरी का जिक्र नहीं है ठीक है ऋग्वेद में हमारे पास एविडेंस है फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को इंसलेव कर सकते हो लड़ाई के दौरान या अगर किसी ने आपकी चीजें नहीं लौटाई हैं कोई दृढ़ में है ऑल्सो सिंगिंग एंड डांसिंग का एविडेंस है बट स्पेशली इट इज सेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वीना एंड फ्लूट भी है बट ड्रम का कोई एविडेंस नहीं है विच ऑफ फॉलोइंग हियर इज करेक्ट ठीक है सो द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विद द राइट टू बाय एंड सेल ये लेटरवेदिक पीरियड में था अर्ली वेदिक पीरियड में वेज लेबर स्लेवरी का कोई रेफरेंस नहीं है ऋग्वेद हमें स्पेशली ये बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इंसलेव कर सकते हो लड़ाई में या डेथ में ऑल्सो सिंगिंग डांसिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एविडेंस है बट ड्रम का एविडेंस नहीं है सो विच इज द करेक्ट आंसर आप जब हम लोग ये क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से थियोरिटिकल पार्ट ठीक है चलो भाई सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जिसमें बेच सकते हैं खरीद सकते हैं ये लेटर पीरियड में में नहीं आया था प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टी सेंचुरी बीसी आता है तो ये गलत हो गया अर्ली वैदिक पीरियड में स्लेवरी के बारे में डिटेल रेफरेंस है ठीक है तो ये भी हमारा गलत हो गया ये बिल्कुल सही है देर इज रेफरेंस इन द वेदिक पीरियड क्या आप लोगों को अपने दास कैसे बना सकते हो तो एक रीजन हमारा ये है वॉर में या डेथ में सिंगिंग डांसिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है और ड्रम भी तो right तो वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं ठीक है सो बैन वी टॉकिंग अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड एंड हमें पता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में पेस्टोरल सोसाइटी है तो क्या यहाँ पे कोई टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा टेरिटोरियल स्टेट जैसे मैं आपको बोलूं कि अर्ली वैदिक पीरियड में इज एविडेंस ऑफ अ प्रॉपर राज्य प्रॉपर बाउंड्री टेरिटोरियल स्टेट नहीं इसका भी कोई एविडेंस नहीं है इज नो टेरिटोरियल स्टेट क्योंकि पेस्टोरल सिस्टम चल रहा है नॉर्मल बेसिक चल रही है ठीक है सेम वे क्या इस समय कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि पेस्टोरल सोसाइटी है ठीक so है सो जस्ट रिमेंबर जो बेसिक सोसाइटीज हैं उनके हिसाब से एक बार आपको थ्योरी जो है ये रिवाइज कर लेनी है मोस्टली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए नंबर रेफरेंस टू द फूड जो लोग खाते थे इन द लेटर वैदिक पीरियड कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है ओडाना इज अ केक जो कि घी चावल बार्ली से बना है अपूपा इज अ पोरिज जो कि ग्रेन बार्ली सेसम से बना है तरफ स्पेसिफिकली एक अनाज है जो कि दूध पानी कर्ड से बना है और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दही सार्मिक और बटर ये मोस्टली वैदिक पीरियड में लोग खाते थे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सही है इस क्वेश्चन में हम हमेशा गलतियां करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जब भी मैंने आपको कराया है हाफ ऑफ द क्लास इज ऑलवेज ड्रॉ सो अस सी हाउ इज द कंडीशन हियर यस अनुराग सेकंड अर्बनाइजेशन से ही हुआ है स्पेसिफिकली जब हम सेंचुरी बीसी की बात करते हैं आल्सो रिमेबर लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे एक वो ट्रांजिशनरी फेज शुरू हो जाता है थोड़ा हम बेसिकली uh, जो ट्रांजिशन है सिक्स सेंचुरी का हम वो शुरू कर देते हैं जो हमारे बेसिकली ट्राइब्स हैं वो कोलेट कर जाते हैं पोलिटिकल यूनिट्स में तो जो नगर फॉर्मेशन है उसकी स्टार्टिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है इन दिस ट्रांजिशनरी पीरियड चलो भाई सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी क्योंकि सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन सही है अब इसमें देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग हमेशा करते हैं आई थिंक एवरी टाइम पीपल डू रॉन्ग हियर तो प्लीज इसको सबसे पहले याद रखना यह आपके मल्टीपल टाइम एग्जाम में भी आ चुका है इज अ केक जो घी चावल बार्ली से बना हुआ है और इज बेसिकली मिल्क कर्ड ना ऑप्शन नंबर वन टू थ्री एंड फोर में था ऑल ऑफ तो तरीके से याद कर लेना पी एच डी एंट्रेंसेज में भी आ रखा है इट्स वेरी वेरी एग्जामिनेशन ठीक है तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से याद रखना ठीक है अच्छा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग हटा देंगे लीडर बोर्ड से इसमें से सिर्फ डी सही होगा आई थिंक मैंने गलती से वहां पे डी कर दिया है ठीक है सो ओनली फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर चलो इसका मतलब है मेजोरिटी ऑफ यू आंसर राइट दैट्स माय बैड ठीक है मूविंग टू नंबर एट रेफरेंसेस टू सभा एंड समिति लेटर वैदिक पीरियड में कंटिन्यू हुए थे इनमें से कौन सी सोर्से जो ये कहती है मे दी सभा एंड समिति द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति एड मी कर ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण वज्र सेन सभिता एंड अथर्ववेद ओके गाइस द आंसर विल बी बी ठीक है वो मेरे, मैंने मैंने डी किया देन आई थिंक इट्स माय इशू ठीक है हाँ ओके देन द आंसर विल बी 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 डोट गेट कन्फ्यूज बाय दैट

करेक्ट आंसर हिस्स बिल्कुल सही है चलो प्लीज रिमेंबर करेक्ट आंसर में कोड भी गलती से मार्क कर दिया डी आंसर विल बी बी ओनली दिस इज करेक्ट ये सारे इंटरचेंज ने तो प्लीज इसमें कन्फ्यूज मत होना ठीक है okay. देर आर रेफरेंस टू सभा समिति इन दिलियड हमें पता है अर्ली वेदिक पीरियड में सभा समिति ने काफी मेजर रोल प्ले किया था अगेन यहाँ पे हमारे जो राजा थेड ऑफ द्लैन एंड ट्राइब प्रॉपर मुनाल राज नहीं थे धीरे धीरे हम लेटर वेदिक में गए राजा बेसिकली अपने रिश्तेदारों से दूर होने लगे जो चारिय ट्रेसेस पहले जनरली राजा को खोजने के लिए होता था सिलेक्ट करने के लिए होता था निकेम पावर सिम्बल्स एंड यहीं पर सभा समिति का जो बेसिकली जो इनका जो स्थिति था एंड जो पोजिशन थी

ये सारे असेंब्लीस की जो पावर है वो डिक्लाइन कर गई ठीक है ऑल्सो रिमेंबर धीरे धीरे जब लेटर लेटरवेदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा होंगे बहुत इलेबोरेट होंगे तो आपको प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी तो इनके पावर पोजीशन काफी स्ट्रांग होगी राजा और प्रीस्ट के बीच की जो रिलेशनशिप है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई काफी ज्यादा क्लोज हो गई ठीक है नेक्स्ट द राजा ऑफ द लेटर लेटरवेदिक पीरियड इज द लीडर इन द बैटल हेरिडेटरी किंगशिप इमर्जिंग इनमें से कौन सी सोर्सेज है जो हमें यह बताती है कि भाई दस जनरेशन की किंगडम मतलब जो हेरिडेटरी के बारे में बताते हैं शतपथ ब्राह्मण चांदी इज द करेक्ट आंसर हियर द येडर इन द बैटल धीरे धीरे हेरिडेटरी किंगशिप आने लगा इनमें से कौन सी सोर्स है जो हमें यह बताती है अ किंगडम ऑफ टेन जनरेशन So here, ये तो पहले भी किया है बट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन भूलना मत ठीक है चलो भाई सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर एंड मोस्ट ऑफ यूर राइट करेक्ट आंसर इज ए वन एंड फोर ए ये मैंने दबाया ए ठीक है नाइंटी एट परसेंट चलो वेरी गुड सो रिमेंबर जो राजन थे वैदिक पीरियड के वी हैव हाँ एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी किंगशिप एंड एंड पे शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण जो है ये हमें रेफरेंस देते हैं टू द किंगडम ऑफ किंगेन जनरेशन दैट इज दस पुरुषम राजन ऑल्सो देर इज एविडेंस कि अथर्वा वेद जो है इसमें भी रेफरेंसेस है कि राजा को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता था राजा का इलेक्शन कैसे होता था ठीक है जो एक तरीके से ना इसका ऑपोजिट है कॉन्ट्रोडिक्ट्री है यहाँ पे कह रही है किंगशिप है बट में ऐसे भी कुछ रेयर हैं जो ये कहते हैं कि राजा इलेक्ट होते थे इसका भरत किंग जिनका नाम था दीवोदास अब कहा जाता है कि इन्होंने दास रूलर को हराया उनका नाम क्या था उनका नाम था शंबरा हरिप्रभु वद्रस्व या बेसिकली पुष्णदेव देव तो विच इज द करेक्ट आंसर हियर ऋग्वेद फेमस भरत किंग जिनका नाम था दीवोदास अब ये दीवोदास ने एक दास रूलर को हराया उनका नाम क्या था शंबरा हरिप्रभु या बेसिकली पुष्णदेव सो विच इज द करेक्ट आंसर हि ए रिमेंबर जब आप वैदिक पीरियड पढ़ते हो तो आपको ना ये सारे रूलर्स के नाम कौन किस ट्राइब्स को बिलोंग करता है ये आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि पेपर में ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको ना ऐसे उड़ा मत देना ये सोच के कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पोलिटिकल सोशल कल्चरल किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एंड द करेक्ट आंसर यर इज शंबरा अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया 96% लोग सो आई थिंक टूडेज सेशन इज वी आर हैविंग अ ब्लास्ट आई थिंक एक यहाँ पे एरर है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कोड जो मैंने पुट किया था सो so, उस हिसाब से अपने आप जो भी आपकी क्वेश्चन एक होंगे उसको आप ऊपर प्लेस कर दीजिएगा सो वी हैव पल्लव तानिया विनीत ज्योति मोनिका रिधि प्रियंका रिशा दमन वानी देन वी हैव दिचिन सोवी अनुराग भूमिका मानिनी पूजा देन वी हैव प्रिंसी ज्योति संध्या साक्षी बंजू रोशनी अमीन देन वी हैव गुरुचरण सागरिका पापिया मानसी संगीता वी हैव ज्योत्सना रीता देन वी हैव मनिक देन वी हैव जयसवाल सबीना वैष्णवी सुप्रिया

ठीक है आप मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट आई थिंक दिस सेशन इज गुड सबने ठीक ठाक किया है बट मुझे लगता है स्पेसिफिकली एक हमें उपनिषद पे सेशन रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है उपनिषद पार्ट इज लिटिल बिट वीक ठीक है सो बेसिकली पुरु और भरत ये हमारे दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हो गए इनिशियली पहले ये दोस्त थे बाद में आप देखोगे बैटल ऑफ टेन किंग्स में ये एक दूसरे के खिलाफ ही हो चुके हैं ठीक है एंड जो चीफ थे पुरु के उनका नाम था त्रासदस्यु एंड जिनका नाम था दीवो दास and किस तरीके से दास रूलर शंबरा पे वो अपनी विक्ट्री जो है ये इंपोज करते हैं द जिसका मतलब है एक्टर और डांस ये मेंशन है ये किस सोर्स में हमें पता चला है ब्राह्मण यात्र का अब अभी तुरंत मैंने आपको इसका आंसर एक एक्सप्लेनेशन में दिया है तो जितने लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा आप ये आंसर को देख सकते हो ये जो टर्म है शैलुषा जिसका मतलब एक्टर या डांसर हो सकता है कहा जाता है जो पुष्यवेद सैक्रिफाइस होते थे उसमें ये विक्टम्स हुआ करते थे यह हमें किस सोर्स में पता चला है टॉकिंग अबाउट वजन सेन संहिता यजुर्वेद तैत्र ब्राह्मण या तैत्र अरणक सो विच इज द करेक्ट आंसर हि और ये अब भी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है तो जितने लोग क्लास में ध्यान से है आप इसका आराम से आंसर जो है ये दे सकते हो चलो इज़ द करेक्ट आंसर या और हमेशा याद रखना कौन से ऑक्यूपेशन लेटर वेदिक में कौन से ऑक्यूपेशन अर्ली वेदिक में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं कि लेटर में बहुत ही डिफरेंट हो रहा similar, है मोस्ट ऑफ दुपेशन आर सिमिलर ठीक है सो विच इज द करेक्ट आंसर योर चलो आई थिंक एवरीबडी हि करेक्ट वजन सेन संभिता अभी तुरंत हमने इसको देखा था यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे पास रेफरेंसेज है अब यहीं पे आप बस याद रख लेना शैलुषा विक्ट्रीफाइस में ये वजनसेन संहिता से इन पता चला है ये कौन थे एक्टर या डांसर यजुर्वेद में हमने अभी तुरंत किया पोल डांसर के बारे में वजन बेसिकली वंशा नर्तिन का जिक्र है लेटर वेदी एज में ये सारे लोग है कारपेंटर चारियट बनाने वाले बो एन आरो बनाने वाले मेटल का, का काम करने वाले लेदर का, का, का काम करने वाले पॉटर्स ऑल्सो इट इज सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली सारे जो पूरा का पूरा लिस्ट है क्या होता था क्या नहीं होता था दीज वो मोस्ट ऑफ आप देखोगे दुष्य सेक्रीफाइस में जो विक्टम्स होते थे उनकी पूरी लिस्ट दी गई है कहां पे वजनसेन संहिता एंड तैत्र ब्राह्मण में ठीक है ऑल्सो वी हैव एविडेंसेज की जनरली सोसाइटी में वी आर एस्ट्रोलॉजर कीपर अटेंडेंस ड्रम गोल्ड स्मिथ तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा कि लेटर वेदिक और पीरियड में बेसिकली क्या क्राफ्टमैनशिप थी क्या ऑक्यूपेशन था इन केस ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक जनरल आ सकता है सोसाइटी वगैरह के बारे में नेक्स्ट अ इंस्क्रिप्शन फाउंड एट बोगस को इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया ये कहती कि भाई ट्रीटी हुई थी बिटवीन हिटाइट एंड मितानी किंग इनमें से कौन से देवी देवताओं का जिक्र है इंदिरा मित्रास नसातिया या बेसिकली उर्वंशी सो विच इज द करेक्ट आंसर योर सो थर्टीन एटी बीसी इंस्क्रिप्शन फाउंड एट बोगस ईस्ट सीरिया ये कहती कि भाई एक ट्रीटी साइन हुई थी स्पेसिफिकली बिटवीन हिताइट एंड मितानी राजा एंड इसमें बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र है सो हु इज इट इंदिरा मित्रास देन वी हैव न्या एंड देन हम बात कर रहे हैं उरुवंसरी की सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर एंड दीज आर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है उसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन को मास्टर करके जाइएगा ताकि यहां से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो वी आर एबल टू टैकल इट ठीक है सो विच इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है सारे ही देवी देवता मेंशन है सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी लेट सी कितने लोगों ने जवाब दिया आई थिंक एवरीबडी नाइंटी टू परसेंट पीपल है 1830, BC, inscription found at in Syria, जहां पे भगवान इंद्र मित्र एंड वरुण ये सारे देवी देवता यहाँ पे mentioned है ठीक है नेक्स्ट इनमें से कौन सी हमारी हिस्टोरियन है हु द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द इमर्जेंस ऑफ मोनार्कियल सिस्टम वर्ना हायरार की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किनशिप रिलेशनशिप एंड हाउस होल्ड तो इनमें से कौन है जिसने राजशाही व्यवस्था वर्णा ऑर्डर रिश्तेदारी संबंधों के संगठन और घर की संरचना के बीच में एक मेजर क्लोज कनेक्शन एक मेजर घनिष्ठ संबंध को रेखांकित किया है कुमकुम रॉय नयनजोत लाहिरी रोमिला था या उमा चक्रवर्ती अंडरलाइन क्लोज कनेक्शन कि भाई जब मोनार्कियल सिस्टम आगे आया उसके बाद स्पेशली जो किनशिप टाइज हो गए रिश्तेदारी टाइज हो गए घर का हाउस होल्ड स्ट्रक्चर चेंज हुआ इन सब के बीच में क्लोज कनेक्शन है तो किसने इसके बारे में हमें ज्यादा हाईलाइट किया है तो वी हैव कुमकुम रॉय वी हैोमरा थापर एंड उमा चक्रवर्ती सिस्टम आया फिर वरना है की फिर रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप आपके चेंज होने लगे इवेंचुअली घर का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा सो हूज फोकस ऑन ऑल ऑफ कुमकुम रॉय तो ये बस याद रखिएगा कि इन्होंने किस एस्पेक्ट पे वर्क किया है वेदिक एज में जनरली सो ए इज द करेक्ट आंसर यर सिक्स परसेंट पीपल ने ही जवाब दिया है तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से याद रखना दिस इज कुमकुम रॉय हुई टॉक्ड अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक एज ठीक है नेक्स्ट दत्रा एंड श्रीनी ये ऋग्वेद में काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ये थे क्या ये प्लाव हल थे ये उपजाऊ जमीन है ये बारली है या ये बेसिकली दराती है सिकल है सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर एंड इस ट्वेंटी क्वेश्चन में इफ यूर एक्चुअली एबल टू सोल्व सिक्सटीन सेवनटीन दे यू आर एब्सोलूटली इन द गुड ट्रैक क्योंकि ये क्वेश्चन में हर कुछ है फ्रॉम टर्म बेस्ड क्वेश्चन टू उपनिषद टू बेसिक चीज़ों को हटा के तो इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व ट्वेंटी में सिक्सटीन फिफ्टीन अब अगर आप कर पा रहे हो विच मीन्स यू आर इन द गुड ट्रैक एंड जो बेसिक गलत हो रहे हैं उसको रिवाइज कर लेना एंड बाद में इफ यू ऑल वॉन्ट हम लोग उपनिषद पे एक सेशन करेंगे बिकॉज आई थिंक वो थोड़ा मुश्किल सेशन है तो वन सेशन वी कैन डू अन उपनिषद ऑल्सो ठीक है तो क्या है ये बिल्कुल सही बात है इट इज बेसिकली सिकल एंड डी हमारा सही जवाब है नाइनटी टू परसेंट पीपल है इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आते हैं कला लंगला सिरा ये प्लाव के लिए यूज हुआ था जो कि लकड़ी का बना हुआ था आदर इंप्लीमेंट्स होनित्र सिकल दत्राश्रनी और एक्स को बोला गया है पारशु या पुलिसा ठीक है तो आपको आपको इनके टर्म्स बेसिक मैच तो फॉलोइंग में आ सकते हैं या स्टेटमेंट बेस में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर बेसिकली लेट बेसिकलीटर पीरियड में इंक्रीज होने लगा एंड दे कैन गिव यू दीज टर्म्स ठीक है तो बेसिक टर्म्स को अच्छी तरीके से आप करके जाना नेक्स्ट अच्छा हु अमंग कौन सी सोर्स है जो हमें ये बताती कि एक राजा था जिनका बेसिकली नाम था विदिहा माधव ये रहते थे सरस्वती नदी के आसपास इन्होंने क्रॉस किया गंधक रिवर विथ हिस्ट्रीज गौतम रघुगान बाद में अग्नि अग्निवैश्वरनाथ को कौन है ये कहाँ लिखा है दिस इज रिटन इन पंचमशा ये ऐत्री ब्राह्मण में लिखा है चांदी उपनिषद में लिखा है या शतपथ ब्राह्मण में लिखा है इनमें से कौन है स्पेसिफिकली बुक जो हमें ये कहती है राजा जिनका नाम था माधव ये ओरिजिनली रहते थे स्पेसिफिकली नियर दी बैंक ऑफ सरस्वती रिवर ही क्रॉसेजक रिवर प्रीस्ट प्रीस का नाम याद रखिएगा दूसरे उल्टा करके आपको क्वेश्चन आ सकता है ठीक है जैसे अग्नि विश्वनाथ से पहले अपने पुराने पुजारी गौतम रघुनंदन के साथ इन्होंने गंधक क्रॉस किया सो वी हैव पंचविवंशा हम बात करें ऐत्र ब्राह्मण की चांदी उपनिषद की या शतपथ ब्राह्मण की विच इज दी करेक्ट आंसर यार ये क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन में दिया था नाइनटी परसेंट क्लास गलत हुई थी तो आई होप अब आपने लर्न कर लिया होगा चलो ये है। श्याम और कृष्णा ये बेसिकली नाम था आयरन मेटल का वेदिक पीरियड में वृही का मतलब होता है गेहूं जो कि दुआब रीजन में उगाया गया ब्लैक एंड रेड वेर ब्लैक स्लिप्ड वेयर ये लेटर वेदिक पीरियड में हम यूज करते थे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है

तो प्लीज मोस्टली ये टॉपिक्स ज्यादा मुश्किल होते हैं लोग इन्हीं को स्किप करते हैं ठीक है सो श्यास देशन ये बिल्कुल सही है वृही इज नॉट गेहू इट इज राइस तो हमारा टू गलत हो गया ये बिल्कुल सही है सो वन एंड थ्री इज द राइट आंसर करेक्ट आंसर ये इज सी देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है इसमें तो हंड्रेड परसेंट वोट आनी चाहिए क्योंकि बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जब भी हम लेटर वेदिक और के मोस्ट हिम्स की बात करते हैं ऑलवेज़ यू नो पीपल अ सन इनमें से देर आर मेनी बुक्स इन द लेटर वेदिक पीरियड जहां पे महिलाओं को प्रेस किया गया है एंड महिलाओं को हायर पेडिस्ट्रल पे रखा गया है इनमें से कौन सी एक ऐसी सोर्स है जो ये बताती है कि अगर आपको लर्नड डॉटर चाहिए तो उसके लिए आप ये रिचुअल्स कर सकते हो विच इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन मुझे देखना ये कौन सही करता है क्योंकि जो इसमें woman की praise की गई है है इसी एक source, जो में है, इसमें बोला जाता है कि भाई अगर आपको एक लर्निड डॉटर चाहिए तो आप कौन सा बेसिकली रिचुअल कर सकते हो शतपथ ब्राह्मण बृहद्रका उपनिषद मैत्रियानी उपनिषद या उपनिषद तो कौन सी एवरीबडी सोर्स है विथ टॉक्स अबाउट वेरी यूनिकॉर सन अब बताओ इसका सही जवाब क्या है तो आई गिवन यू दिस क्वेश्चन सिंपली बिकॉज आई टोल्ड यू वुमेन एस्पेक्ट पेपर में काफी कॉमन है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं विच आर लिटिल बिट रिवर्स बाई वॉज है सो so, कौन है जो इसका सही जवाब देगा सी सो so, कौन सी बुक है या सोर्स है जो स्पेसिफिकली हमें बताती है रिचुअल्स फॉर अ डॉटर एंड द करेक्ट आंसर हियर इज इज बी दैट बृहद्र उपनिषद देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया चौदह परसेंट आधी लोगों ने इसमें गेस वर्क किया है मुझे पता है बट कोई दिक्कत नहीं है इसको याद रख लीजिएगा दीज आर वन ऑफ द रेयर सोर्सेस जो हमें इसके एविडेंस देती है ठीक है नंबर एटीन There are hymns of Rigved, जहां पे आप देखोगे ना देर इज लॉफ अल्यूजन टू गॉड ह्यूम से उसी में से रिग्वेद में एक हिम है जहां पे कन्वर्सेशन होती है वॉटर निम्स राजा के बीच में वो राजा कौन हैव बेसिकली so पिजावन प्रदर्शन भरत या बेसिकली पुरुवा तो कौन से राजा है इन पीरियड अ रेफरेंस ऑफ पीरियडर भगवान के बारे में है सेमी के बारे में इसी कॉन्टेक्स में एक हिम है ऋग्वेद में जहां पे देर इज ए कन्वर्सेशन वॉटर निम्फ जल अपरा और एक राजा के बीच कौन है वो राजा इस पिजावन या पदरन या बेसिकली भारत या पूर्वा विच इज द करेक्ट आंसर या चलो most of your, absolutely. देखो इस तरह के तो क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे जहां पे मोस्टली आप फंस सकते हो ठीक है चल भाई तो विच इज बिल्कुल सही एंड द नेम ऑफ द राजा इज पुरुवार तो यहाँ पे डी हो गया हमारा सही जवाब ठीक है चलो सेवेंटी फाइव परसेंट तो अब आपको ये भी आ सकता है कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज का जिक्र है डू यू हैव गॉड्स तो याद रखना गॉड्स हो गए सेमी डिवाइन बीन हो गए अप्सराज हो गए इन सारी चीजों का स्पेसिफिकली जिक्र है ठीक है नंबर नाइनटीन With रेफरेंस टू द लिस्ट ऑफ रत्न ये अश्वपा कौन थे ये रॉयल चेंबरलिन थे हंटमैन थे he was द milker ऑफ shares या ये डाइस थ्रोअर थे अब आपको रत्निन सेरेमनी भी पेपर में कितनी बार आया वेन राजा यूज टू गो टू दी रत्निंस तो अब इसमें कौन से बेसिकली लोग हैं और किसका क्या डोमेन है ये आपको स्पेसिफिकली देखना है इस रत्न सेरेमनी में जो भी रतनिंस थे जो राजा के ज्वेल्स थे उसमें उनके फैमिली के लोग भी हो गए मतलब किंगशिप टाइज भी प्लस दोज पीपल हुआ नॉट फ्रॉम द किंगशिप टाइज तो ये दोनों तरीके से ये फॉर्मेशन के बारे में आपको याद रखना है अब एक आपको आ सकता है कि ये किसका पार्ट था अभी रिसेंटली आपको एग्जामिनेशन में भी आया था अशमेद का पार्ट है राजसुईया का पार्ट है दूसरा देख एन गिव यू दिस कि किसका क्या काम है बेसिक सा क्वेश्चन है ठीक है चलो भाई सॉरी करेक्ट आंसर योर इज बिल्कुल सही ये कौन थे पासा फेंकने वाले थ्रोअर ऑफ डाइस सो आई थिंक एवरीबडी एज आंसर दिस करेक्ट बस इसको याद रखिएगा रत्नावंशी सेरेमनी सेरेमनी ऑफ ज्वेल ऑफरिंग इट वॉज अ पार्ट ऑफ राजसुया राजफाइजेस जहां पे राजा जो बेसिकली इनके ज्वेल्स होते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल उनके घरों में जाया करते थे ठीक है एंड यहाँ पे भाग दुआ हो गया मिलकर ऑफ शेयर या जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करते थे या जो राजा का शेयर कलेक्ट करते थे अक्षप्पा हो गए जो डाइस फेंकते थे ठीक है एंड शरती हो गए हमारे चेम्बर एंड वो भी करतना हो गए हमारे हंट्समैन ठीक है तो इनका नाम याद रखना क्योंकि ये आपको बेसिक मैच द फॉलोइंग में आ सकता है बहुत कॉमन ट्रेंड है ये पेपर का मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन देर आर इलेबोरेट वेदिक सैक्रिफाइसेस जहां पे तीन बेसिकली फायर्स का यूज होता था दैट इज गणपत्या अवनिया एंड दक्षिणा अब इसमें से स्पेसिफिकली अवनिया क्या है ये हाउस होल्डर फायर है ऑफरिंग फायर है सादन फायर है या नदन फायर है Uh, ये आपको अभी रिसेंटली 2022 का अगर आप पेपर देखोगे तो मैच द फॉलोइंग में आपको ये आ रखा है दे गेव यू द नेम ऑफ द फायर एंड दे टोल्ड यू की क्या है सिंपल मैच द फॉलोइंग ठीक है इस तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपने इनके कोई एरियाज मिस किए हैं जो आज हमने किया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है यहाँ पे ही मोस्टली गलत हो सकता है तो वेन यू रीड थोड़ा उपनिषद एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा वेदिकी एंड बुद्धिज्म ये दो टॉपिक पे थोड़ा सा गिव लिटिल बिट टेन ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ठीक है चलो भाई सो लास्ट क्वेश्चन एंड द ये हो गए हमारे ऑपरेटोरियल फायर एटी थ्री परसेंट पीपल सा क्वेश्चन है जब भी हम वेदिक सैक्रिफाइस करते हैं लेटर वेदिक पीरियड में तो ये बहुत इलेबोरेट सैक्रिफाइस हो गए जहां पे वी है हाँ आप यहाँ पे देख सकते हो गृहपत्या फायर हाउस होल्ड फायर हो गए हमारे उसके बाद अवनिया विच इज ऑफरिंग फायर एंड देन वी हैव बेसिकली दक्षिणा विच इज द दिन फायर यहाँ पे हमारे यजमान बैठते थे यहाँ पे यजमान की वाइफ बैठती थी और यहाँ पे आप देखो जो पिट है जो कुंड है उसके शेप भी अलग अलग है बेसिकली ये जो अवर्या है हमारे दिस इज बेसिकली स्क्वेर कुंड ठीक है गृहपत्या का जो कुंड है ये सर्कल है एंड यहाँ पे हमारा क्रिसेन कुंड है तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो आ जाता है पोजिशन ऑफ द फायर एंड एवरीथिंग एल्स वॉज फिक्स एंड ये आपको याद रखना है ये बेसिकली वेदी बीच का सेक्शन हो गया जो कि ग्रासी सेक्शन था जो हवन वगैरह के लिए चाहिए आप यहाँ पे बीच में रखते थे एंड यहाँ पे हमारे अदवरियो पीस्ट हो गए होत्री पीस्ट Then we have the की, कौन से थे, किस वेद के साथ कनेक्टेड थे मोस्टली याद रखिएगा ये सबसे पहले जलाया जाता था एंड बेसिकली यहाँ के जो फायर होती थी यहाँ के कोल से बाकी दोनों फायर में आग लगाया जाता था ठीक है तो इस तरीके से देखो बहुत ही इलेबोरेट सेक्रीफाइजे जो है ये लेटरवेदिक पीरियड में शुरू हो गए थे ठीक है ये लाइक आई सेट रेक्ट एरिया कॉन्केव एरिया जहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्रेड ग्रास थी जो भी आपको जरूरत है ये यहाँ पे रहता था होत्री हो गए हमारे प्रीस जिनका काम था रेसिटेशन करना अदबरियु स्पेसिफिकली हो गए हमारे यजुर्वेद के प्रीस जिनका काम था रिचुअल एक्शन ठीक है उदगत्री हो गए सामवेद जिनका बेसिकली काम था सिंगिंग ठीक है एंड बेसिकली ये हमारे यजमान और उनकी वाइफ यहाँ बैठती थी तो इस तरीके से इलेबोरेट सेक्रीफाइसेज जो है ये लेटर वेदिक में शुरू हो गए थे अब आपको ये भी आ सकता है मैच द तो फॉलोइंग में अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो बहुत पहले ये सारे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं ठीक है आज कैसा परफॉर्म किया है uh, एक क्वेश्चन like पोल में गलट डाला था उसको हटा के लेटेसी मोनिका एंड ज्योति प्रियंका वानी तानिया देन वी है भूमिका मानिनी देन वी हैव रोशनी संध्या प्रिंसिस सोभी रिधि मंजू ज्योति दमन पूजा साक्षी एंड रीता ओके दे Then we have Jyotsna, Risha, Then we have Jyoti, Gurucharan, Ranjana, Sagarika, Vineet. Then we have Papya and Geeta. Here uh, Savina, Manik, Suraj, Pushpika, Mansi, Singh, Sarita, Supriya, Vaishnavi, Barsha. Then then, then we have uh, Sangeeta, Aspirin, Jaiswal. Then we have uh, Trinanjana, Jashobanta, Sona Mosmi, Ju, Anurag, uh, Suman. Then we have Kushbu, Sagar, Shubhi, Suman, Vandana, Manoj, Barsha. Uh, सुदीप दुर्गेश आस्था रोजिता अश्विनी मिष्टी, सिया योगिता हिस्ट्री एंड हिस्ट्री रोशनी रेखा प्रतिथि समद्रता मतांगिनी रितु अंजना देन वी है मनीष ज्योत्सना संबित उमा प्रीति नाजिया मलिक एएमबी, निशा एंड बबीता ठीक है सो विद दिस वे द सेशन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना नेक्स्ट क्लास देखेंगे कितने कितने लोगों ने आंसर सही दिया है सो हरप्पन साइड राखी सिचुएटेड इन इट इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी देन वी हैव रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा या रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ठीक है तो इसका आंसर दीजिएगा सेट क्वेश्चन का ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास रिमेंबर ज हो चुका अब हम लोग आगे बढ़ेंगे महाजनपद बुद्धिज्म जैनिज्म वाला सेक्शन होगा ठीक है तो प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम क्लासेस मोस्टली जो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है लोग इसी को लीव करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ठीक so है सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी फिनिशिंग दिस टॉपिक सैटरडे को मॉडर्न इंडिया का मेगा मैराथन है ठीक है इस तरीके से आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड नोटिफिकेशन आते हैं तो और सेशन आई एम गोइंग टू एड डोंट वरी अबाउट इट जस्ट अटेंड द सेशन जो भी सेशन आपने मिस किया है उसको एक बार गो थ्रू करके देखते रहना एंड फिर सब कुछ सेट है थैंक यू सो मच एंड सी यू इ नेक्स्ट सेशन एवरी वन एंड प्लीज टेक केयर अभी तक जितने भी हमने क्रैश कोर्स के टॉपिक्स किए प्लीज सबको अच्छी तरीके से देख के खत्म कर लीजिएगा सो दट जब और टॉपिक्स में ऐड करूँ यूर अप टू डेट विद द थिंग्स जो हमने पास में खत्म कर रखा है उसके पहले जितने भी हमने और सेशन उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि जो हमने जनवरी से शुरू किया था टेक्निकली फोर जून आपको सारे सेशन को कवर करना है तो वास्स फ्री यू कैन जस्ट इंक्रीज द स्पीड लुक एट दो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टूडे एंड प्लीज टेक केयर एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पांच बजे सेशन को डॉट ज्वाइन कर लेना